उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन भी देने का काम करेंगे। कांग्रेसी कभी सपने में नहीं सोच सकते गरीब को मुफ्त में गैस कनेक्शन देंगे, गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देंगे, गरीब आदमी को मुफ्त में आवास देंगे, गरीब आदमी के मुफ्त में शौचालय बनाएंगे। इतना ही नहीं, नरेंद्र भाई मोदी उसके आगे भी कहते हैं हर गरीब को रोजगार भी देंगे, स्किल इंडिया लाएंगे, इंडिया मेक इन इंडिया लाएंगे, मेड इन इंडिया बनाएंगे। अब मेड इन जापान नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, मेड इन अमेरिका नहीं, मेड इन इंडिया होगा मित्रों, इसका भी नारा देते हैं। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं आप सब तो यहाँ के रहने वाले हो, मैं आश्रम में कल गया था, महात्मा गांधी का आश्रम देख करके मैं विभूत हो गया। महात्मा गांधी ने नारा दिया था ग्रामोदय का, आप लोग जानते हो महात्मा गांधी ने नारा दिया ग्रामोदय का, विनोबा भावे ने नारा दिया सर्वोदय का, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नारा दिया अंत्योदय का, और नरेंद्र भाई मोदी ने नारा दिया है राष्ट्रोदय का मित्रों, राष्ट्रोदय का। और इसलिए ग्रामोदय भी होगा, सर्वोदय भी होगा, अंत्योदय भी होगा, राष्ट्रोदय भी होगा। लोग कहते हैं, लोगों के मन में कल्पना होगी अमित भाई शाह से तुलना करते, अरे अमित भाई शाह ने तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बना दिया। मित्रों मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरे कलोल के वीर सपूतों, आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, आज उत्तराखंड में सरकार बनी है, आज हरियाणा में सरकार बनी है, झारखंड में सरकार बनी है, आसाम में सरकार बनी है। अगर एक एक वोट मिला है तो नरेंद्र भाई मोदी के नाम और नरेंद्र भाई मोदी के काम से मिला है मित्रों, उनके नाम और काम से मिला। लोग सोचते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप कल्पना करिए, एक नेता ये है एक नेताओं है, बार बार नाम लूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेने से पाप ऊपर पड़ता है, इसलिए उसका नाम छोड़ देता हूं। अब आप सोचिए अमेरिका का राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ रहे थे तो ट्रंप किसका नाम लेकर के प्रचार कर रहे थे, नरेंद्र भाई मोदी का नाम लेकर के प्रचार कर रहे थे। और मित्रों एक नेता ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति इनका नाम लेकर के चुनाव जीत जाता है, अब दूसरे नेताओं हैं जिनका नाम नहीं लूंगा, जहां जाते हैं वहीं पार्टी चुनाव हार जाती है, अब नाम लेना नहीं चाहता। आप समझते रहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने लोगों ने पूछा मीडिया के लोगों ने कैसे काम करोगे, उन्होंने कहा कि जैसे नरेंद्र भाई मोदी भारत में काम कर रहे हैं वैसे मैं अमेरिका में काम करना चाहता हूं। उदाहरण लेने के लिए दीजिए, कल्पना करिए, लोग कहते थे चाइना बहुत बार आंख दिखाता था, लेकिन क्या हुआ मित्रों, भारत माता का सच्चा सपूत आज गद्दी पर बैठा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं जो अपनी माँ को आंख दिखा सके। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अथर्ववेद में एक लाइन है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, अगर जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। इसलिए जितने नौजवान साथी हैं, जितने युवा साथी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ए मेरे वतन के हमराही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत दामन में फिर भी आहे क्यों भरती है, मर मिटने की परवाह नहीं घायल परवाना जलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। इसलिए आपका आवाहन करना चाहता हूँ, हमारी बहनें बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं, मैं बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरी बहनें मेरी माताएं, आपकी चिंता मोदी जी ने कैसे कैसे की है, हर तरीके से बहन को रक्षाबंधन से सुरक्षाबंधन कर दिया, 2 लाख की दुर्घटना बीमा योजना सब बहनों को कराने का काम किया, बहनों के लिए कहा है गर्भवती महिलाओं को 6,000 रूपए देंगे। आप जानते हो सारी दवाइयों का दाम कम हो गया, जो 50 रूपए की दवाई थी 5 रूपए में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के तहत बना दिया। अरे मित्रों कौन कहता है, कौन मुकाबला करना चाहता है, पीने का पानी देते हैं, चलने के लिए फड़क देते हैं, 24 घंटे बिजली देते हैं। आज गुजरात हमारा नंबर एक का राज्य भारत के अंदर है, दुनिया के लोग गुजरात को देखने आते हैं। मेरे गुजरात के वीर सपूतों, मैं आपका आवाहन करना चाहता हूँ, भारत को विश्व गुरु के पद पर ले जाने के लिए, परम वैभव नेत्रेश्वर आश्रम की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमको सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, मैन इज बॉर्न नेकेड एंड स्टेशन लेफ्ट, दुनिया में कोई भी पैदा हुआ नंगे और बिना किसी पद के पैदा हुआ, लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तो तल स्वत राखा, और दूसरी चौपाई तुलसी ने फिर कही कि करहि करावै भंजै सोई उमा राम गत लखान कोई, और तीसरी चौपाई तुलसी को फिर रखनी पड़ी कि वही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावै साखा। इस तरीके से
अभिवादन शील समितम वृद्धो अभिषेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोभलम। इसलिए मैं आप सबका आवाहन करने के लिए आया हूँ, निवेदन करता हूँ, अगर सवेरे उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूलम तू सरस्वती कर मध्य तू गोविंदा प्रभात कर दर्शनम बोलते हो, अगर दातुन करते समय आयुर्वलम सौ प्रजा प्रजा बसुन बसुन का पाठ करते हो, अगर समुद्र वसने देवी पर्वत स्नान मंडले विश्वपति नमस्तुभ्यम पादस्पर्शमश्रुमे बोलते हो, अगर स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती चाय यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिपुर कहते हो, अगर स्नान करके निकलते हो आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते का जाप करते हो, अगर घर में रोटी खा करके घर से निकलते हो और कहते हो कि प्रवेश नगर की जय सब खाजा हृदय राग कौशलपुर राजा, अगर हमारी बहने पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधती हैं, अगर हमारी बहने तुलसी के बिरवार पर दीपक जलाती हैं, अगर गौ को गौ माता कहते हो, अगर गंगा तो दर्शना मुक्ति में विश्वास करते हो, अगर भारत माता की पूजा करते हो तो सौगंध है आपको भारत एवं भारतीयता की, संस्कृति एवं संस्कार की, धर्म और विचार की, कि जिएंगे तो भारत माता के लिए और मरेंगे तो भारत माता के लिए। इसलिए मित्रों अब से लेकर के चुनाव तक न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो जगाते रहो चलते रहो चलाते रहो। और एक बात ध्यान में रखना, त्रेता में भगवान राम थे तब भी बहुत सारे राक्षस थे, रावण भी था, कुंभकर्ण भी था, हिरावण भी था, कर्दूषण भी था और साथ में सुपरका भी थी, और द्वापर में भगवान कृष्ण साक्षात थे तब भी बहुत सारे राक्षस थे, अकासुर टकासुर पकासुर कंग और साथ में पूतना भी थी। ये पूतना और सुपरका कौन है आप लोग समझते रहिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, अंदाजा लगाते रहिए।